जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीरदास ने लोगों को समझाया, कई साल पहले समझा दिया कि ईश्वर आपके मन में बसता है, ईश्वर वो है जो आपकी अंतरात्मा में है। ईश्वर इस तरीके से लोगों को पाखंड के जाल में नहीं फंसाता, बल्कि अपने बच्चों को जीवन तबाह कर, जो लोग अपने बच्चों का जीवन तबाह कर रहे हैं, खुद तबाह हो रहे हैं, आज उन्हें कबीरदास के इन दोहों को याद करने की आवश्यकता है, इसे दोहराने की आवश्यकता है। अभी तक हमने आपको कहानी अंधविश्वास की बताई राजधर्म में, लेकिन अब राजधर्म में दोस्ती के विश्वास की भी कहानी। नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच की दोस्ती, उनके बीच का विश्वास जो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन जंग के बीच तीसरी बार देश की सत्ता संभालने के बाद नरेंद्र मोदी अपने रूसी दोस्त पुतिन से मिलने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी 9 साल के बाद मॉस्को गए हैं, जिसके बाद मोदी की डिप्लोमेसी को लेकर दुनिया अचंभित है। मोदी और पुतिन की दोस्ती से अमेरिका टेंशन में आ गया है, लेकिन मोदी कहते हैं कि उन्हें चैलेंज को चैलेंज करना पसंद है। मतलब ये कि मोदी की डिप्लोमेसी में केवल एक बात है, इंडिया फर्स्ट। मोदी ने मॉस्को से अमेरिका और चीन को क्या मैसेज दिया, रूस को लेकर मोदी ने क्या कहा, मोदी के रशिया दौरे का मतलब क्या है, आज मैं आपको राजधर्म में बताऊंगी। आइए कुछ तस्वीरों के साथ शुरुआत करती हूँ। अमेरिका की टेंशन बढ़ी हुई है। अमेरिका भारत को यूनाइटेड नेशन चार्टर का पाठ पढ़ा रहा है। ये एक तस्वीर पहले आप देख लें और उसके बाद से अमेरिका की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है वो भी आपको बताएंगे। भारत और रशिया की दोस्ती, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की बातें, जिस तरीके से इनोवेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसी की एक वानगी इस वक्त आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जब डिफेंस ट्रेड की बात आती है, जब इकोनॉमिक ट्रेड की बात आती है, तो भारत और रशिया एक दूसरे का साझेदार है। ये ताजा तस्वीरें जो मॉस्को से आई है, टेक्नोलॉजी और डिफेंस पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन को आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। सबमरीन इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। इसका सीधा अर्थ ये है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, इस विधा में क्या ट्रेड किया जा सकता है, बेशक इसी पर चर्चा हो रही होगी। लेकिन 6 तस्वीरें जो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच की बॉन्डिंग को बताती है, ये 6 तस्वीरें मोदी और पुतिन के बीच की केमिस्ट्री को दिखाती है। ये बताती है कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारत का मिलना और ये साझेदारी कितनी इम्पोर्टेंट है। दरअसल मॉस्को में 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। थोड़ी देर में बायलैटरल मीटिंग की भी तस्वीरें आने लगेगी, लेकिन उससे पहले जब मोदी मॉस्को पहुंचे तो उनके रशियन फ्रेंड ने बाहें फैलाकर उनका ग्रैंड वेलकम किया। यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है, अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है, इसलिए मोदी के रूस दौरे से अमेरिका विचलित है। मोदी एक्ट ऑफ बैलेंसिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। भारत के लिए कौन कितना इम्पोर्टेंट है ये भी मोदी जानते हैं, और तभी तो नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जब शपथ लेते हैं तो 5 दिन के बाद ही G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए वो इटली के अपुलिया पहुंचते हैं, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करते हैं। तो वहीं 23 दिन के बाद रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचते हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करते हैं, उनके साथ डिनर डिप्लोमेसी करते हैं। मतलब ये कि मोदी ने अपनी विदेश नीति से ये बता दिया है कि भारत के लिए केवल अमेरिका नहीं बल्कि रशिया भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को इटली के अपुलिया में आयोजित G7 समिट में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से गले मिलते हुए दिखाई दिए थे। तो वहीं मॉस्को में ज़ेलेंस्की के दुश्मन नंबर 1 व्लादिमीर पुतिन से भी वो गले मिलते हैं। मोदी जितने गर्मजोशी से ज़ेलेंस्की से मिलते हैं, उतनी ही गर्मजोशी कहिए या उससे ज्यादा आप कहिए, वो पुतिन और मोदी के रिश्तों में दिखाई देती है। मोदी और पुतिन की इसी केमिस्ट्री को देखकर ज़ेलेंस्की भी भड़के हुए हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने नरेंद्र मोदी के पुतिन से मिलने पर निशाना साध दिया है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते हुए देखना एक बड़ी निराशा है।
ये रशिया के आक्रमण के खिलाफ शांति प्रयासों के लिए एक विनाशकारी झटका है। देखिए, यूक्रेन की अपनी विदेश नीति है, उनके लिए ये तस्वीरें हो सकता है उनके दिल को दुखाने वाली हो, लेकिन ज़ेलेंस्की समेत यूक्रेन के समर्थक देश यही बात कह रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ मोदी पुतिन से जाकर गले मिल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन को शायद ये बात गले नहीं उतर रही। मोदी के लिए लेकिन किसी चैलेंज से ये कम नहीं है कि वो इस बैलेंस को कैसे बना के रख पाते हैं। लेकिन मोदी कहते हैं कि चैलेंज को चुनौती देना उनके डीएनए में शामिल है। चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। जब देशवासियों के साथ दूरी का अवकाश ही न हो, जो सोच लीडर के मन में चलती है वही सोच जब जन मन में होती है ना, तो अपार ऊर्जा जनरेट हो जाती है दोस्त। और यही मैं देख रहा हूं यहां पर। मोदी और पुतिन की दोस्ती से अमेरिका टेंशन में है। भारत और अमेरिका का भी दोस्त है और रूस से भी पक्की वाली दोस्ती है। अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर बहुत लंबे समय से, आप जानते हैं कि ये तनाव तो लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का रशियन प्रेसिडेंट के साथ मेलजोल अमेरिका को रास नहीं आ रहा। अमेरिका यूक्रेन को लेकर भारत से सवाल पूछता है। अमेरिका कह रहा है कि जंग के समाधान के लिए बात क्यों नहीं हो रही है। साथ ही में ये भी पूछता है, क्या यूक्रेन समस्या का हल यूएन चार्टर के तहत नहीं है। अमेरिका ने कहा कि मॉस्को को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। हमने पीएम ओरबन की तरह पीएम मोदी को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलते देखा। हमने सोचा कि ये महत्वपूर्ण कदम है और हम भारत से आग्रह करेंगे, जैसा कि हम किसी भी देश से करते हैं जब वो रूस के साथ जुड़ता है। भारत ये स्पष्ट करे कि यूक्रेन में संघर्ष का कोई भी समाधान ऐसा होना चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करता हो, जो यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता, यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करता हो। भारत एक रणनीतिक साझेदार है जिसके साथ हम पूर्ण और स्पष्ट बातचीत करते हैं, और इसमें रूस के साथ संबंधों के बारे में हमारी चिंताएं भी शामिल हैं। अमेरिका ने सवाल उठाया तो मोदी ने जवाब भी दिया। मॉस्को से मोदी ने अमेरिका समेत पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को संदेश दिया। मोदी के रूस दौरे की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त मोदी रशिया में हैं उसी वक्त अमेरिका के वॉशिंगटन में नाटो की 75th वर्षगांठ मनाई जा रही है, जहां 32 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। ये सभी देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, लेकिन इस बीच मोदी मॉस्को में हैं, रूस के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और अमेरिका को संदेश दे रहे हैं कि हर समस्या का समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है, और भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लंबे समय तक दुनिया ने एक इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड ग्लोबल ऑर्डर देखा है। आज की दुनिया को इन्फ्लुएंस की नहीं, कॉन्फ्लुएंस की जरूरत है। ये संदेश समागमों और संगमों को पूजने वाले भारत से बेहतर भला कौन समझ सकता है। प्रधानमंत्री रशिया की राजधानी मॉस्को में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से साफ साफ संदेश दे दिया है कि 21वीं सदी भारत की ही सदी होगी। 2015 में जब मैं यहां आया था तब मैंने कहा था कि 21वीं सदी
भारत की होगी। तब मैं कह रहा था, आज दुनिया कह रही है। दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स, उनके बीच में इस विषय में अब कोई विवाद नहीं रहा है, सब कहते हैं 21वीं सदी भारत की सदी है। आज विश्व बंधु के रूप में भारत दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी, जिसमें नए ट्रेड को लेकर समझौता हो सकता है। कनेक्टिविटी, डिफेंस सौदा, इसके अलावा स्पेस, तेल और नेचुरल गैस समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। भारत ने कजान और येक्टेनबर्ग में कॉन्सुलेट खोलने का भी फैसला लिया है। मैं आपसे एक और गुड न्यूज भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कौन से गुड न्यूज आए। कजान और यकातेरिनबर्ग में दो नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया गया है। इससे आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। मोदी और पुतिन की दोस्ती कितनी मजबूत है, इसका अंदाज आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 सालों में 6 बार रशिया के दौरे पर आए हैं और 17 बार पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई है, यानी कि साल में करीब करीब 2 बार दोनों नेता मिले हैं। जब जब उनकी मुलाकात हुई है, लगातार ये मुलाकात सुर्खियां बटोरती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री को दुनिया ने बड़े करीब से देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 6ठा रूसी दौरा है। भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये मोदी और पुतिन की दोस्ती का ही नतीजा है कि मोदी के कहने पर पुतिन ने रशियन आर्मी से उन भारतीयों को डिस्चार्ज कर दिया जिन्हें गुमराह करके भर्ती किया गया था। मतलब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे की पहली कामयाबी सामने आ चुकी है। रूस ने उन सभी भारतीयों को डिस्चार्ज करके घर भेजने का फैसला किया जो गुमराह होकर रशिया चले गए थे और वहां की आर्मी में काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने उठाया, जिसके बाद रूस की सरकार का ये बड़ा फैसला आया। मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी ही वो शख्स हैं जो डिनर की टेबल पर बैठने के बाद भी पुतिन से अपने लोगों को छोड़ने की बात कर सकते हैं और पुतिन ने भी उनकी बातों को सहर्ष स्वीकार किया। दरअसल कुछ महीने पहले रशिया में कई भारतीय लड़कों को गुमराह करके रशियन आर्मी में भर्ती किया गया था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। आपने भी देखा होगा, आपके भी फोन तक पहुंचा होगा। कुछ लड़के रशियन आर्मी की ड्रेस में दिखाई दे रहे थे और इनमें से ज्यादातर लड़के पंजाब और हरियाणा के रहने वाले थे। इन्हें वहां पर धोखे में फंसाकर आर्मी में भर्ती कर दिया गया था और इन सभी को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी गई, जिसका वीडियो जारी कर युवकों ने मदद की गुहार लगाई थी। आज उनको इंसाफ मिला है, उनके वतन वापसी जल्द होगी। रशिया और भारत के बीच ट्रेड और स्पीड की बात कर लेते हैं। इस ट्रेड को स्पीड देने के लिए एक और कॉरिडोर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, एक बार जरा बड़ी स्क्रीन पर इस मैप को ले जाते हैं।
ये चेन्नई और अमेरिका के व्लादिवोस्तोक के बीच एक नया रूट तैयार किया जाएगा। अभी तक जो रूट है इससे पहले काम कर रहा था वो इस तरफ से रास्ते आ रहा था, यानी कि रशिया से ये अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए फिर वो मुंबई तक पहुंच रहा था। लेकिन अब जो ये नया रूट तैयार किया गया है जो मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ हांगकांग और साउथ कोरिया होते हुए रूस तक पहुंचेगा। एक बार ये पूरा रूट आप देखिए, चेन्नई श्रीलंका फिर मलेशिया को कनेक्ट करते हुए ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करेगा। अभी तक रशिया सेंट्रल एशिया और यूरोप से ट्रेड करता था, चाबहार पोर्ट के जरिए ये ट्रेड किया जाता था, वहां से शिपमेंट मुंबई की तरफ पहुंचता था, यानी कि भारत के पश्चिम तट पर पहुंचता था। ये देखिए इस तरफ, अब भारत को हमेशा ये टेंशन रहती थी क्योंकि ये पाकिस्तान की तरफ से होकर आता है और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध किस प्रकार के हैं, टेंस हैं, और उसका इस रूट पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अब ये नया रूट भारत के लिए एक और रास्ता खोलेगा। हमारे संबंधों का एक प्रतीक अस्ट्राखान का इंडिया हाउस भी है। 17वीं शताब्दी में गुजरात के व्यापारी वहां बसे थे। जब मैं गुजरात का नया नया मुख्यमंत्री बना था तब मैं वहां गया था। 2 साल पहले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट भी यहां पहुंचा। ये कॉरिडोर मुंबई और अस्ट्राखान की पोर्ट सिटी को आपस में जोड़ता है। अब हम चेन्नई व्लादिवास्तोक ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। हम दोनों देश गंगा वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन से एक दूसरे को रीडिस्कवर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ अमेरिका को संदेश दिया, साथ ही ये भी बताया कि भारत के लिए रशिया इतना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस का मतलब समझाया, सुख दुख का साथी, और कहा कि हमारा रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिका है। दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है, भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त, हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजवा कहते हैं, और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही है। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है।